अपने लिए केज सेलेक्ट कर लो कौन से चाहिए। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ दी 75 रख के बोल रहा हूँ मैं, ये मुझे ऐसा लगता है। चलिए भाई साहब, खलीफा निकल चुकी है बहुत दिन बाद हमारी। पेट्रोल भरवाया था उस दिन से चलाया नहीं, बाहर निकाल के साफ वाफ कर दिया हमने मस्त इसको, और कोल्ड स्टार्ट भी कर दिया था मेरे, तो स्टार्ट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्टिंग में भी कोई ट्रबल नहीं दिया इसने आज ना। हमने खलीफा को टॉप बॉक्स लगाया है और ना ही टैंक बैग। हो गई भाई चालू, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सखरा। क्या इज्जत में रोक रहे देखो ना सब लोग, वो वहाँ पे पुलिस खड़ी है ना इसके लिए, नहीं तो सब वहाँ पे होते, वहाँ पे एक एक लाइन से खड़े ले रहते थे। पुलिस के सामने सब इज्जत में आ जाते हैं, कुछ भी बोलो ये बात तो सच्ची है। चलिए भाई साहब अभी हो जाएगा ये सिग्नल स्टार्ट, फिर हम चलेंगे। मस्त निकलती है यार, बहुत दिन बाद मजा आ गया भाई साहब। मुझे फील है ना फील, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मगर पूरी सेफ्टी के साथ अपना राइडिंग जैकेट वैकेट सब पहना हूँ मैंने, और हेलमेट वेलमेट भी है, शूज है, तो टेंशन नहीं है। बिना ये सब चीज़ों के नहीं करने का, पहले ही बोल रहे है। ये ऐसा ट्रैफिक रहेगा ना, वो कट वट मार के ऐसा इधर से घुस के निकल गए उधर से घुस के निकल गए, वैसा नहीं करने का, अपना मस्त नॉर्मल चलाने का। मैं तो ऐसा ही चलाता हूँ भाई, बाकी आप लोग समझदार हो कैसा चलाना है, तभी तो लाइसेंस मिला है आप लोगों को। अगर फिर भी आप ऐसा चला रहे तो यू आर वेरी चालाक ब्रो, डोंट बी दैट चालाक, दैट्स हार्मफुल ब्रो। देखो जैसा ये आ गया ना, पब्लिक क्या करती है ऐसा फुल फुल निकल जाती है ना, गली वली पकड़ के एकदम कट मार के निकल जाती है, वैसा नहीं करने का भाई। सुकून से चलाने का, मस्त चलाने का, आराम से चलाने का, फुल सेफ्टी के साथ। जय बात, हमारे रोज के पूरे ट्रैवल का सबसे पेनफुल पार्ट आने वाला है अभी, और वो पार्ट है ये। जैसे ये खड़ी मशीन वाला चौक पार करते हैं ना, ये येवलेवाड़ी जो शुरू हो जाती है ना, यहाँ से वो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है भाई साहब। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो, वहाँ से राइट नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि काम चल रहा है, दोनों तरफ की गाड़ियाँ यहीं से आती है। एक तरफ का पैस तो ठीक है, मगर वहाँ का पैस देखो पूरा पूरा ऑफ रोड है पूरा, ये वजह से यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है। यहाँ पर अभी तो ट्रैफिक नहीं है लकीली, मगर शाम में सवेरे रहता ही है ट्रैफिक यहाँ पे। कल मुझे काफ़ी ट्रैफिक लग गया यहाँ पे, यहाँ के ट्रैफिक की वजह से मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया। सो दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है, ऐसा परमानेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है ये। इंशाल्लाह 2 से 4 महीने के अंदर, 2 से 4 महीने में हो जाएगी इंशाल्लाह। और बस ये वही तक है, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही आगे, ज़्यादा आगे नहीं है, बस ये वाला सीन है। बाकी ये जो ट्रैफिक वैफिक आ जाता है ना, फिर वहाँ पर थोड़ा खलीफा है ना मज़ा नहीं देती है। बाकी हमारी खलीफा तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी साइड में घुस जाओ, अंदर घुस जाओ। इज्जत में ये देखो, ये सब काम चल रहा है। इट विल टेक टाइम। अरे देखो ये धूल दे के तुमने, बाप रे, ये देखो ये सब काम चल रहा है ना इसके वजह से, बस इंशाल्लाह हो जाएगा यार ये, आई बिलीव। देखो यहाँ का हो गया लगता ना, बस वो उत्तर टुकड़ा ही चला है, फिर सुकून ही सुकून हो जाएगा भाई साहब। चलो अभी चलते हैं। कुछ दिन पहले ना एक भाई आए थे अपने फार्म पे, बोलते हैं मोहसिन भाई जो आप खलीफा चलाते हो घाट पे, क्या आराम से चल जाती है यार, हाइट पे कोई दिक्कत ही नहीं आती। हम लोगों को देखो कितनी दिक्कत होती है भाई। देखो मैं जब जेट स्की पे आता हूँ ना, जेट स्की पे तो मुझे भी दिक्कत होती है, जेट स्की में वो पावर नहीं है, खलीफा में वो पावर है, इसके लिए दिक्कत नहीं होती है। वो बोलते हैं यार ऐसा लगता ही नहीं कि घाट चढ़ रहे हो आप, जब आपके व्लॉग्स देखते हैं हम, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप घाट चढ़ रहे। देखो ये अभी भी चढ़ाई है, ये जो हम चढ़ रहे हैं ये चढ़ाई है, मगर वो मोमेंटम बनाए रखना पड़ता है। फिर आपको वो गाड़ी कंट्रोल में है नहीं है वो भी तो डिसाइड करना है ना आपको खुद ही। अगर मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहेगी गाड़ी तो मैं थोड़ी भगाऊंगा। अब देखो ये इतनी बड़ी गाड़ी कब जाएगी, इसके आगे तो जाना ही पड़ेगा ना, तो ये मोमेंटम का खेल है सब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा मोमेंटम गिर जाएगा, मगर हम इसको ज़्यादा नहीं गिरने देंगे, बस
ये देखो हो गया, यहाँ पे से हमने मोमेंटम पकड़ लिया और फिर चले भाई साहब ऊपर की तरफ। ये देखो ये सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस के साथ आती है, आपको भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ऐसे चढ़ती है हमारी खलीफा घाट पर। सबसे डेंजर वाला टर्न आ गया है, बड़े आराम से देखे, इट्स ऑल इन यू गाइस। चलो बस घाट उतरे, फिर 10 मिनट में अपने फार्म। देखो नहीं चढ़ पाती गाड़ियाँ, देखो इसके लिए बोलते हैं को वो गाड़ी तो ख़त्म है। चढ़ाई तो है भाई, चढ़ाई तो है, ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन चढ़ाई नहीं है। चलो बहुत हो गया घाट के ऊपर बातें, अब मिलते हैं डायरेक्ट फार्म पे। और ये है साप सुरली वाला रोड। चलिए भाई साहब पहुंच गए हम, यहाँ रुक गए थे, चाचा का फोन आया था कि आते वक्त जो है स्क्रू लेके आओ। ये एक सहूलत है अपने को बहुत, यहीं पे हार्डवेयर है ना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी ना तो तुरंत मिल जाता है। चाचा का भी टाइम पे फ़ोन आ गया, अगर अंदर जाने के बाद आता तो फिर वापस से रिटर्न आना पड़ता मुझे। सही है, ये ले लेते हैं भाई साहब, चाचा ने जो स्क्रू मंगाए थे ये ले लेते हैं। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. Finally पहुंच गए भाई, बहुत जल्दी जल्दी पहुंचे, 40 मिनट्स लगे बस हमें खलीफा पे आने के लिए। यहाँ पे कार में एक घंटा लग जाता, एक घंटा 15 मिनट भी लग जाता है जल्दी जल्दी, बट सर इट्स गुड टू कम हियर अर्ली। बहुत बढ़िया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है आने के बाद से। चलो कुछ भी नहीं किया तुमने तो, क्या लगा है? अच्छा पाइप लगा रहे हो, सही है सही है सही है, वेरी गुड। ये भी आ गए प्लाई, ये तो कल ही आ गए थे ना। चलिए भाई साहब देखते हैं हम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सबको अलॉट करते काम अपना अपना और शुरू देते और फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ये लोग है ना मेरे लिए रुके हुए थे, कुछ चीज़ें बतानी थी इनको, ये लोग कन्फ्यूज थे उस टाइम में, तो इस वजह से भी है ना मैं आया उन्हें। तो मैं ना यहाँ पे कुछ 12-1 बजे के बाद आने वाला था आज, क्योंकि मुझे एक्शन में दुनिया के जो काम थे वो निपटा के मुझे यहाँ पे आना था, मगर जो डिसीजन मैंने लिया ना वो सही लिया यहाँ पे आके। फिलहाल ये लोग जो है सारा जो है पार्टीशन का काम कर रहे हैं, 20-30 के पार्टीशन भी पड़ रहे हैं। एक बार एक लाइन पूरी कम्प्लीट हो जाए फिर बताता हूँ आप लोगों को कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, कितनी स्पेस मिल रही है, क्या मिल रही है, सब पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह। वहाँ कटिंग, यहाँ कटिंग, सिर्फ कटिंग ही कटिंग चल रही है। यहाँ के पीछे के प्लाई सब लग गए, यहाँ पे बीच में के सपोर्ट्स भी लग गए, यहाँ के भी पीछे के प्लाई लग गए, काम रुका नहीं है, काम चल रहा है, काम रुकता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो वहाँ पे पार्टीशन लगना शुरू हो गया भाई, देख लेते हैं। यही चक्कर में तो आया मैं आज, मतलब आज मैं लेट आने वाला था, बताया ना मैंने आपको। चलिए भाई साहब एक और मेन काम जो है अपने फार्म का वो एक होने जा रहा है, वेइंग स्केल की सर्विसिंग करवानी है। मैंने 2 दिन हो गया बुलाया था बंदे को, वो अब आया है तो वो भी करवा लेंगे, मगर वेइंग स्केल लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे बहुत मेस हो रखा है ना इसलिए। हमारा वेइंग स्केल यहाँ पे खुल के पड़ गया है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स खराब हो गए, वो कल मिलेंगे, अभी वो कल ही रिपेयर होगा, नए पार्ट्स डाल देंगे। रिपेयर क्या होगा, नए पार्ट्स डालने वाले। लुक हु इज योर प्राउड ओनर ऑफ रोलेक्स। वालेकुम अस्सलाम, एंड हु इज योर, हे ब्रो अस्सलाम वालेकुम। अपने लिए केज सेलेक्ट कर लो, कौन से चाहिए। मैं भी जा रहा था। हाँ अंजुम भाई दरअसल केज सेलेक्ट करने आए, उनके लिए उनके जानवरों के लिए कौन से चाहिए। कितने आ रहे हैं अपने? 3 ही आएंगे ना भाई। चलो सही है, तुम्हारे 3 चूज कर लो, तुमको कौन से चाहिए केज, सब से केज का साइज सेम ही है। चलो भाई थोड़ा क्लाइंट आए, क्लाइंट से मिलके बात। तो हो गए तुम्हारे बाड़े फिक्स? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा साइज, कैसा है बाड़े का, सच्ची बताना। माशाल्लाह बहुत बड़ा। देखो वो भी बात है ना, इतना और एक्स्ट्रा गाला बुक करके रखो, कभी तुमको घर से की तुमको निकाल के फेंके तो यहाँ के सो जाओ। भाई साहब ये तो चलते रहने वाला है। अंजुम भाई के 3 गाले बुक हो चुके हैं। ऐसे भाई तुम्हारे कितने हो गए फाइनल? इंशाल्लाह 4। 4 ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 4 और 3 7 तो यही हो गए। फिर अपने एक और भाई है, उनके लिए तो लेफ्ट साइड वाला पूरा बाड़ा ही रखना पड़ेगा मेरे को लगता। वो भाई समझ गए, लेफ्ट साइड वाला पूरा बाड़ा तुम्हारे बकरे ममदी ममदी लोग के साथ ही रखूंगा सब लाइन से इंशाल्लाह। मैंने बोला था ना आपको कि हमारे जो ग्रुप के बकरे हैं, हमारे जो दोस्तों के बकरे हैं, उनसे ही अपना फार्म फुल हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रहा था मैं आपको बार बार बुक योर स्पेस, इसीलिए बोल रहा था मैं। चलो फिर भी जगह रहने वाली है,
अभी तक बुक नहीं किया तो बुक कर दो। अंजुम भाई आराम से आई अंदर गाड़ी, कोई टेंशन नहीं ना, अभी इसको भी थोड़ा सा स्लोप करो। हाँ इसको कर रहा हूँ, इसको स्लोप कर रहा हूँ तो गाड़ी डायरेक्ट फार्म तक आएगी, वो अपना फार्म और गाड़ी यहाँ पार्क करनी पड़ी। जब मैं भी आता था ना स्टार्टिंग में गाड़ी यहीं पे पार्क करके गया था फर्स्ट टाइम देखने के लिए, जब फैमिली वालों को भी लाया था तो यहीं पे गाड़ी पार्क किया था। इधर है ना उस दिन मैंने बोला था डालने के लिए यार, मगर वो लोगों ने डाले नहीं, यहाँ पे थोड़ा डाल देंगे ना सही हो जाएगा। बिल्कुल भी लगी नहीं ना नीचे, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। देख लो भाई ये i10 है ना जी, i10 इधर आराम से आ गई, लेटेस्ट वाली है। इसका तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना नहीं है ज्यादा, फिर भी आराम से आई। चलो भाई साहब लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली भी आ सकती है, मगर मेरे को लगता है होंडा सिटी एसेंट वगैरह सब लगेगी नीचे से, वो लग जाएंगी। चलो यू ऑल्सो बुक्ड योर स्पेस, 4 of yours, 3 of his एंड 1 entire bada फॉर माय अदर फ्रेंड अदर ब्रदर। बाय बाय गाइस, अगली बार जब आओगे ना तो बकरे देंगे इंशाल्लाह। बाय बाय। चलो भाई ये लोग तो चले गए, अब इसका कुछ सोचना पड़ेगा। ये पत्थर भी निकाल दो यार, मेरी इनोवा को भी लगता है कभी कभी ये जाने के टाइम पे। अपने को वहां नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है, तब जाके वो मैच होगा इंशाल्लाह। करते हैं इसकी तरतीब, बनाते हैं कुछ ना कुछ। चलो भाई साहब अंदर देख लेते हैं, गाले हमारे हो रहे, चाचा और चाचा की टीम फुल ऑन लगी हुई है पावर के साथ। शाम के 7 बज रहे भाई और यहाँ पे काम चल ही रहा है, काम रुकता नहीं है यहाँ पे, काम चलते रहता है। फिलहाल जो है यहाँ के पार्टीशन का काम हो गया, यहाँ के दोनों का हो गया, यहाँ का बचा है नहीं, यहाँ का हो गया ना, ये भी सिर्फ एक बच रहा है, यहाँ का पूरा हो गया है, यहाँ का काम चल रहा है, यहाँ का बचेगा जब तक अभी है जान में जान, तब तक कर रहे हैं चाचा की टीम। चाचा की टीम फुल ऑन पावर वाली, फुल ऑन। चलिए भाई साहब 7:50 हो गए, अब निकल रहे हम यहाँ से, फटफट पहुँचते हैं। वेल्डिंग वाले भाई निकले और उन्हीं के साथ हम भी निकल गए, अब जो भी होगा कल होगा। आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे राइट मार के, हम सीधा सीधा जाएंगे। आज हमको दो स्टॉप में काम हो जाएगा अपना यार। दरअसल वहाँ पे ना भाजी मिलती है, मतलब खेत से निकाली हुई फ्रेश भाजी, तो वही भाजी है ना मैं वहाँ से लेके जाता हूँ घर पे। तो आज जो है ना आपा लोगों के इधर भी ड्रॉप कर देंगे, मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हूँ, तीनों आपा लोग तक पहुँच जाएगी। वो एक नंबर भाजी है यार, वो पाउटा बोलते, पाउटा एक नंबर लग रही थी, इसके लिए मैंने और लिया। कल अपने घर के लिए ले गया था, आज ज़्यादा लिया और तीनों आपा के इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमें 2 स्टॉप लेने पड़ेंगे, वैसे तो 3 लेने चाहिए मगर 2 स्टॉप में काम हो जाएगा अपना। सेकेंड वाले स्टॉप से दोनों आपा लेके जाएंगे। लकीली आज यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला, नहीं तो यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है हमेशा। हाँ चाचा बेसब्रे। चलिए भाई साहब फर्स्ट स्टॉप कंप्लीट, सेकेंड स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हम, फटाफट वहाँ पे भी देते हैं, फिर घर की तरफ बढ़ जाएंगे हम दो इंशाल्लाह। क्या टाइम हो रहा है, 8:30 बज गए, नॉट बैड, बहुत जल्दी उतर गए हम बाइक पे यार, हो जाता है जल्दी। मगर मैं क्या सोच रहा हूँ आज दोपहर में जब यासर भाई आए थे तो जब हम लोगों का थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था तो मुझे उन्होंने एक सजेशन दिया कि मोहसिन भाई तुम खलीफा भेज दो, अभी तुम खलीफा भेज दो और कोई छोटी मोटी कार ले लो यहाँ पे आने जाने के लिए। तो मैंने तो पहले कुछ रिएक्ट नहीं किया, मगर अब मैं सोचता हूँ कि यार यासर भाई ने सही सजेशन दिया है, क्योंकि जो पर्पज़ के लिए मैंने खलीफा लिया था अब वो तो होने से रहा भाई साहब, वो मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग खलीफा भेज सकते हैं, यस दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ मैं ये, मुझे ऐसा लगता है कि खलीफा भेज सकते हैं हम लोग। क्या पता कब यह दिन आ जाए कि खलीफा हमारे पास नहीं रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई टोल्ड यू ना गाइस, ये क्या पता कल हो ना हो। आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड होगा खलीफा के लिए, यू गाइस कैन DM मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। याद है क्या नहीं इंस्टाग्राम का ID हमारा, मोहसिन MK खान, खान में AA है, जो भी लो दो लो ज़रूरत हो तो। चलो यार ये तो बहुत इमोशनल वाला पार्ट है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद खलीफा बेचनी पड़ेगी। खैर चलो मैंने कम से कम एक राइड तो की लॉन्ग राइड, मुझे मलाल तो नहीं रहेगा कि इसको लेके बस ऐसे ही भेज दिया, मैंने लॉन्ग राइड तो की, याद है क्या नहीं। अरे यार उसको भी 1 साल हो जाएगा, हाँ यार 3 मार्च को तो निकला था मैं, चलो सही है भेज देंगे, दे देंगे हम लोग खलीफा। सब लोग सिग्नल तोड़ते हुए, हम नहीं तोड़ेंगे, आप जा सकते हैं, हम खलीफा दे देंगे भाई साहब। DM मी ऑन इंस्टाग्राम,
इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, फिर अपन एक छोटी कारवार ले लेंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप? चलो भाई भाजी देते हैं, भाजी वाले आ गए, भाजी वाले भाजी। चलिए भाई साहब, अब जाते हैं यहाँ से घर, फटाफट पहुँचते हैं। मगर आप लोगों को घर पे पहुँचने से पहले एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखो ये हाइट बार है, हाइट बार पे ना आके एक बार ज़रूर टंग रोल खाना, टंग रोल 7:30 के टाइम पे आना, लेट आओगे मिलेगा नहीं। टंग रोल खाना और बन में मांगना, बन में, रोटी में मत खाना, उनको बोलना टंग रोल दो बन में। यार मेरे में रुकने की हिम्मत नहीं है तो मैं खा के ही जाता एक सही में यार मैं खा के ही चला जाता। तुम लोग आए ना पक्का खा के जाना और मुझे टैग करना इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। चलो पहुंचते हैं घर फटाफट। आ गए हम घर 1 घंटे के पहले ही, 2 स्टॉप लेने के बाद भी हमारी राम प्यारी यहाँ पे खड़ी है। राम प्यारी तुम रहोगी, तुम कहीं नहीं जाने वाली। चलो भाई साहब घर पहुंच गए, इसी के साथ साथ ये ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया। मगर एंड करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, कल एक चीज़ मांगना भूल गया था आपसे, मैं हमेशा जो मांगता हूँ आपसे, दुआ मेरे लिए दुआ करते रहना भाई, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे वाह पर्दा लग गया यहाँ पे, वेरी नाइस। और यहाँ पे लग गई खलीफा, देखो कितना बड़ा गोल्ड रूम था अपना ये वाला भी। चलो भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय, गुड बाय गाइस, गुड बाय। और खलीफा में इंटरेस्टेड हो तो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन।